8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक जलजले के हवाले से कुदरती आफात से निबड़ने का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में रेस्क्यू 1122 पत्तों की जानब से रैली का इनाकार किया गया। रैली के हवाले से देखते हैं इम्तियाज अहमद चौधरी की ये रिपोर्ट। जी, 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक जलजला के सिलसिले में कुदरती आफात से निपटने का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से रेस्क्यू 11 बाई तहसील पत्तोकी की जानब से रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क्यादत स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एजाज, शिफ्ट इंचार्ज वकास बलाल, चौधरी इरफान, तनवीर साजिद और फैट सोल ने की। रैली रेस्क्यू ऑफिस से शुरू हुई और फूलनगर शहर से होती हुई रेस्क्यू ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू 11 बाई के जवानों, निजी कॉलेज के तलबा, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथ में बैनर उठा रखे थे। रैली का मकसद 8 अक्टूबर 2005 हौलनाक जलजले में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करना था। दूसरी जानब रेस्क्यू 11 बाई की तरफ से जलजला आने की सूरत में हंगामी हालात से निमटने और बचाव के लिए अवाम में आगाही भी दी गई। रैली के अख्ताम पर मुल्को कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। इम्तियाज अहमद चौधरी, बुल्ला टीवी, पत्तों की।